नेशनल खबर सब पर नजर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ माही जमर और मेरे साथ आज बातचीत करने के लिए हैं अरुण मोहन जोशी, जो कि अभी लेटेस्ट देहरादून के नए एसएसपी सर हैं। स्वागत है सर आपका हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आप अभी हाल ही में आपने देहरादून की आए हैं आप। धन्यवाद। यातायात को लेकर देहरादून में नियम काफ़ी बन चुके हैं, फिर भी यातायात को लेकर आपने आकर भी कुछ बदलाव किए, क्या बदलाव है आपकी तरफ से? ये बदलाव अभी कोई भी नहीं हुए हैं, स्टडी कर रहे हैं। जो हमारे यहाँ पर देहरादून में इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका हम लोग इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है जो हमारा फोर्स है उसको मैक्सिमम इस्तेमाल करते हुए जो एनफोर्समेंट का काम है उसको भी किया जाए। बदलाव नहीं, जैसे आपने बदलाव कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने टाइमिंग शेड्यूल बनाया है सबका कि इतने से 10 बजे से लेकर 1:30 बजे तक आपको सारे जो प्रभारी है इनको यहाँ से यहाँ तैनात रहना होगा, ये मैंने आपकी एक खबर पढ़ी थी, उसके अकॉर्डिंग मेरा ये सवाल था। देखिए तो जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इस्तेमाल करने की प्रक्रिया है, कहाँ पर बंगे रहेगा नहीं रहेगा उसको हमें फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया है, उसके लिए हम स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं और पूरा स्टडी कंडक्ट करने के बाद क्या उसका सबसे बेहतर इस्तेमाल हो सकता है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जो आप बात कर रहे हैं कैरी की बात है एनफोर्समेंट का, जो ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं उसको बेहतर तरीके से करने के लिए, जहाँ पर लोग गलत तरीके से गाड़ी को पार्क कर रहे हैं या लॉ को वॉयलेट कर रहे हैं जिससे ट्रैफिक में दिक्कत हो रहा है, उसका बेहतर तरीके से एनफोर्समेंट हो सके और जो भी इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं उनको बंद कर सके, उसके लिए सारी प्रक्रिया इस्तेमाल की गई। ओवरलोडिंग को लेकर भी कई सारे हादसे होते हैं उसकी वजह से, हाल ही में जैसे टीएलई हादसा हो गया, कोड़ी में भी हो गया, इसको लेकर आप क्या करने वाले हैं? ट्रैफिक में जहाँ पर भी वॉयलेशन की बात आ रही है, चाहे वो ओवरलोडिंग का है या और रैश नेगलिजेंस ड्राइविंग का है, शराब पीने की गाड़ी चलाने का है, या इस तरह से ट्रैफिक को वॉयलेट करना या ट्रैफिक को इस तरह से डिस्टर्ब करना लंबा जाने से लग जाता है, तमाम चीज़ें जिस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं और उसको जो भी लीगल कार्रवाई किया जा सकता है, जहाँ पर एम बी एक्ट की चलान में है वो किए जा रहे हैं, जहाँ पर हमको लगता है कि आई पी सी की जो कंसर्निंग सेक्शन से हमें कार्रवाई करना है वो भी हम लोग कर रहे हैं। ड्राइवर भी कई बार होते हैं कि नशे में वो रहते हैं और उसकी वजह से भी कई हादसे हो जाते हैं, हालांकि देहरादून में कहें कि नशे के विरुद्ध अभियान चल रहा है काफ़ी टाइम से, लेकिन हर दिन 2 से 3 खबरें जो होती हैं वो नशे के रिगार्डिंग की होती है, इसको लेकर आप क्या संज्ञान लेंगे? लेकिन इस पर हम लोग मल्टीपोल स्ट्रेटजी बना रहे हैं, इसमें हम लोग केवल एनफोर्समेंट पर रहने की जगह जो अवेयरनेस को हम लोग कैसे जो हमारे यूथ हैं या जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनको कैसे साथ ले सकते हैं उसके लिए हम लोग फोकस कर रहे हैं। चलिए थैंक यू। ये थे हमारे साथ कप्तान सर देहरादून अरुण मोहन जोशी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए नेशनल खबर के साथ। नेशनल खबर सब पर नजर।